deduce the relation between different charge carrier concentrations for an extrinsic semiconductor. What does this equation imply in relation to n-type and p-type semiconductor? या फिर thermodynamic relation between number densities of electrons and holes for an extrinsic semiconductor. ये काफ़ी लंबी स्टोरी इसमें समझा रखी है कि when conduction electrons and holes are created in semiconductor, the process of destruction occurs simultaneously which electron and hole combine recombine with each other. मतलब जब हम electron and hole बनाते हैं बॉन्ड तोड़ के तो साथ के साथ वो रिकॉम्बिनेशन भी होते रहते हैं, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं. इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर, जिस रेट से आप चार्ज कैरियर बना रहे हो, ठीक, बॉन्ड तोड़ तोड़ के बना रहे हो, उसी रेट से उसकी डिस्ट्रक्शन भी साथ साथ चलती रहती है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. आपने इसमें एक काम करना है, आपने इसमें एक फॉर्मूला नोट करना है सिर्फ, और इस बॉक्स में फॉर्मूले को डालो, बॉक्स में डालो. वो रिलेशन पूछेगा, क्या रिलेशन पूछेगा कि नंबर डेंसिटीज का रिलेशन बताओ. नंबर डेंसिटीज क्या होती हैं, जैसे एन टाइप में सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, तो एन ही उसमें नंबर डेंसिटी है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इलेक्ट्रॉन्स. पी टाइप में कौन है, होल्स हैं, तो ये होल्स हैं, और एन आई का मतलब है इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक का मतलब प्योर, प्योर. तो एक फॉर्मूला है कि अगर आप एक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर लेके आते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं, चाहे वो ज़्यादा हैं चाहे कम हैं, और प्योर लेके आते हो उसमें एक ही किस्म के हैं, एन आई, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं, ऐसे बोल सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं. प्योर में तो यही होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वैलेंस बैंड में उतने होल्स बनते हैं कंडक्शन बैंड में. तो इंट्रेंसिक में अगर नंबर डेंसिटी एन आई है, किसकी, चाहे होल की ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन की ले लो, तो बराबर ही है. और पी टाइप या एन टाइप में ये डिफर करती हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है किसी भी इम्प्योर सेमीकंडक्टर का, एक्सट्रेंसिक का और इंट्रेंसिक का, ये हमेशा बराबर ही रहेगा. तो कहने का मतलब किसी न्यूमेरिकल में ये काम आएगा, एन ई इंटू एन एच, यानी कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की जो चार्ज कैरियर की जो मल्टीप्लीकेशन है, और एन आई इंटू एन आई, एन आई एन आई का मतलब है होल और इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर होते हैं, तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसे प्लीज बॉक्स में डाल लें.